हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखी गई सोनेट नंबर 67 की। मैं बता दूँ कि अमोरेटी 16वीं शताब्दी में एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखित एक सोनेट चक्र है, और इस सोनेट चक्र में उनकी प्रेमलाप और एलिजाबेथ बॉयल के अंतिम विवाह का वर्णन है। वैसे तो एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखी गई द फेरी क्वीन काफ़ी प्रसिद्ध रही है। सो जहाँ तक इस सोनेट की मैं बात करूँ, ये सोनेट नंबर 67 है। सो जहाँ तक इस सोनेट को यदि लिटरली पढ़ा जाए, शाब्दिक रूप से काफ़ी सिंपल वे में समझा जा सकता है कि वो कवि के द्वारा क्या कहा जा रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे शाब्दिक रूप से पढ़ देता हूँ, यानी उसके बाद कवि के द्वारा किस रूप में वो मेटाफोरिकल सेंस में यहाँ पे सोनेट को लिखा गया है, मैं उसका भी जिक्र करूँगा। सो यहाँ पे कवि बता रहे हैं कोई शिकारी के बारे में कि कोई शिकारी जो है अपने शिकार को लंबे समय से वो पीछा कर रहा है, चेज कर रहा है। जब वह अपने शिकार से जो है थक जाता है, शिकार चूँकि वो काफ़ी लंबे समय से शिकार के पीछे भाग रहा है, लेकिन वह उसका समय वो बिताना उस शिकार के पीछे वो व्यर्थ ही हो रहा है। तो जब उसे लगता है कि शिकार उसके हाथों से जो है निकल चुका है, सो यहाँ पे लिखा गया है सीइंग द गेम फ्रॉम हिम एस्केप्ड अवे। यहाँ पे गेम शिकार के सेंस में समझे कि जब उस शिकारी को लगता है कि वो शिकार उसके हाथों से निकल चुका है, सो अपने शिकारी कुत्ते के साथ जो है छाएदार जगह में पैरों के नीचे जो है वह बैठ जाता है। सो यहाँ पे लिखा गया है सिट्स डाउन टू रेस्ट हिम इन सम सैडी प्लेस विथ पैंटिंग हाउंड्स बी गॉइल्ड ऑफ देयर प्रे। कि जब वो उसे लग जाता है कि उसका शिकार करना, कि अब शिकार के पीछे लगातार भागते रहना उसके लिए व्यर्थी है, तो वो निराश होकर अपने शिकारी कुत्ते के साथ जो है पैरों के नीचे जो है आराम करने के लिए वो बैठ जाता है। सो यहाँ पे लिखा गया है सो आफ्टर लॉन्ग परसिस्यूट एंड वैन ऐसे वैन आई ऑल वेरी हैड द चेज फॉर सुक। कि इस लंबे प्रयास के बाद, कि काफ़ी लंबे प्रयास के बाद और व्यर्थ के कोशिश के बाद, कि काफ़ी कोशिश किया जा रहा था शिकारी के द्वारा कि वो शिकार को जो है प्राप्त कर लिया जाए, उसे पकड़ लिया जाए, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि वैन आई ऑल वेरी हैड द चेज फॉर सुक। कि जब वो शिकार के पीछे जब थक जाता है वो शिकारी, तो उस चेज को, उस पीछा को वो त्याग देता है, छोड़ देता है। आगे फिर लिखा गया है द जेंटल डियर रिटर्न द सेल्फ सेम वे। कि जिस तरह से जो शिकार, जो हिरन जिसका शिकारी जो है शिकार करने का प्रयास कर रहा था, ठीक उसी तरह उस शिकारी के पास वो लौट आता है। सो पहले मैं इसे रीड आउट कर देता हूँ। थिंकिंग टू क्वाइंच हर थर्स्ट एट द नेक्स्ट ब्रुक। कि पास के नदी में वो अपने प्यास को बुझाने के लिए, वो हिरन जो है अपने प्यास को बुझाने के लिए जाता है, और जब उसे दिखाई पड़ता है कि शिकारी जो है पैरों के नीचे जो है वो बैठा हुआ है, आराम कर रहा है, तो वह शिकार जो है उसके पास, जब शिकार को, जब उस डियर को लग जाता है कि वह शिकारी उसके लिए खतरा नहीं है, तो उसके पास वो लौट आता है, फिर से वापस चला जाता है। देयर सी बिहोल्डिंग मी विथ माइल्डर लुक। वह शिकार जो है उस शिकारी के आँखों में बड़े ही स्नेह के साथ देखता है, और वो सोचता है कि अब जो है नहीं भागना है, बड़े ही निर्भय रूप से बिना भय के साथ वो शिकारी के पास जाता है। और शिकारी जो है यहाँ पे लिखा गया है टिल आई इन हैंड हर येट हाफ ट्रेम्बलिंग टुक एंड विथ हर आउन गुड विल हर फर्मली टाइड। कि शिकारी को काफ़ी आश्चर्य होता है कि जिसको वो पकड़ने के लिए उसका पीछा वो काफ़ी अपना वो समय बिताया, लंबे समय से उस शिकार का पीछा किया जा रहा था, और वही शिकार जो है आज उसके पास चल के आया है, और वो बड़े ही आराम से उस शिकार को जो है वो कैप्चर कर लेता है, उसे बांध लेता है। सो यदि मैं इस सोनेट को मेटाफोरिकल सेंस में बताऊं, एक्चुअली हंट्समैन ये बताया गया है किसी पुरुष को, या मैं इसे आगे और भी क्लियर कर दूंगा कि ये हंट्समैन या हंटर किसे कहा गया है, तो आप यहाँ पे हंट्समैन समझ सकते हो कि ये किसी पुरुष के लिए बताया गया है। और जहाँ तक प्रे की बात की जाए, शिकार की बात की जाए, वो किसी स्त्री, किसी औरत के बारे में यहाँ पे
मेटाफोरिकल वे में यहाँ पे बताया गया है, तुलना किया गया है कि पुरुष काफ़ी लंबे समय से स्त्री का जो है वो अपना प्रेम जताने की कोशिश कर रहा है, जैसे मैंने इसे रीड आउट किया है, ठीक आप उसी तरह समझो, और वह स्त्री उसके प्यार को भाव नहीं दे रही है, कि वह पुरुष अपना प्यार उस स्त्री के प्रति जताने की कोशिश, ठीक इस यही स्थिति कवि एडमंड स्पेंसर जो काफ़ी लंबे समय से अपना वो प्यार जताने की, वो अपने प्रेमिका के प्रति प्यार अपना जताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी प्रेमिका उससे लगातार जो है दूरी बनाई हुई रखी थी और उसके प्यार को वो स्वीकार नहीं कर रही थी। तो जब उस पुरुष को लगता है कि उसके प्यार को भाव नहीं दिया जाएगा या उसके प्यार को उस स्त्री के द्वारा नहीं समझा जाएगा, तो वह पुरुष जो है अंत में निराश होकर वो अपना प्यार जताना जो है वो छोड़ देता है उस स्त्री के प्रति। तो फिर वही स्त्री जो है फिर उस पुरुष के पास लौट आती है। सो यहाँ पे लिखा गया है, अब मैं इसे रीड आउट करने वाला हूँ। सो यहाँ जो लिखा गया है, जब वह स्त्री जो है, जो पुरुष जो काफ़ी समय से उस स्त्री के प्रति जो है अपना प्यार जताने की वो कोशिश कर रहा था, लेकिन वह स्त्री जब उसे लगता है, जब वो अपना प्रयास जो है प्यार जताने का वो छोड़ देता है वो पुरुष, तो स्त्री को जब लगता है कि अब उसके प्रति जो है प्यार नहीं जताया जा रहा है, तो वह खुद स्त्री को जो है रियलाइज होता है, अनुभव होता है। तो यहाँ पे कवि एडमंड स्पेंसर ये भी बताने का प्रयास किए हैं कि मानव के बीच जो प्यार की कोशिश होती है, या जब आप किसी चीज़ को प्यार करो या जिस चीज़ से आपको प्यार है उस चीज़ के पीछे यदि भागा जाए, तो लंबे समय के बाद भी यदि वो हासिल नहीं हो, तो यदि छोड़ दिया जाए, तो वो जो भी चीज़ों को लेकर प्यार है वो चीज़ जो है खुद ब खुद वो वापस चली आती है। सो यहाँ पे लिखा गया है कि जब वो आदमी अपना प्रयास बंद कर देता है, सो यहाँ पे लिखा गया है, टिल आई इन हैंड हर येट हाफ ट्रेम्बलिंग टुक एंड विथ हर आउन गुड विल हर फर्मली टाइड। सो यहाँ पे ये बताया गया है किस तरह से जीत, उस पुरुष के जीत के बारे में बताया गया है कि जब वह स्त्री जो है उसके पास वापस आती है, तो वह पुरुष अपने उसको स्वीकार करने के लिए अपने हाथों को वो बढ़ाता है, और वो पुरुष अंदर से वो कांप भी रहा है, उसे डर भी है कि जिस औरत के प्रति वो काफ़ी लंबे समय से प्यार जताने की कोशिश कर रहा था, कहीं वो औरत फिर से ना उसे रिजेक्ट कर दे, उसे अस्वीकार ना कर दे। इसलिए लेकिन जब वह पुरुष देखता है कि उसके प्यार को अब सराहा जा रहा है, उसके प्यार को अब उस स्त्री के द्वारा स्वीकार किया जा रहा है, तो फिर आगे के जो दो लाइन्स बची हुई है इस कपलेट में जो लिखा गया है, मैं इसे रीड आउट कर देता हूँ कि स्ट्रेंज थिंग मी सीम्ड टू सी अ बीस्ट सो वाइल्ड सो गुडली वॉन विथ हर आउन विल बी वाइल्ड। यहाँ पे वो आदमी सोचता है कि यह काफ़ी अजीब है, काफ़ी स्ट्रेंज थिंग मी सीम्ड, कि मुझे काफ़ी अजीब लगा, कि वह पुरुष को जो है काफ़ी अजीब लगता है टू सी अ बीस्ट सो वाइल्ड उस औरत के प्रति, या आप ऐसे भी समझ लो कि वो शिकारी के पास जो वो शिकार चल के आता है, तो उस शिकारी को काफ़ी अजीब लगता है कि ये शिकार जो काफ़ी जंगली होने के बावजूद भी काफ़ी इसमें इसको कोई भय ही नहीं है मेरे पास आने में, और अपने स्वेच्छा से जो है मेरे पास ये आया हुआ है। तो ठीक इसी सेंस में यहाँ पे आप इसे समझो कि वो पुरुष को काफ़ी अजीब लगता है, काफ़ी अजीब प्रतीत होता है कि जो औरत के लिए वो काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहा था, अपना प्रेम जताने की वो प्रयास कर रहा था, आज वही औरत अपने स्वेच्छा से अपने इच्छा से जो है वो आई है विथ हर आउन विल अपने स्वेच्छा से। सो यहाँ पे समझा जा सकता है ठीक इसी प्रकार का जीत जो यहाँ पे इस सोनेट के द्वारा बताया गया है, आप समझ सकते हो ठीक इसी प्रकार का जीत जो है एडमंड स्पेंसर और उसकी प्रेमिका एलिजाबेथ बॉयल के बीच हुआ था, और अंत में दोनों के बीच विवाह हुआ और
एलिजाबेथ बॉयल उसकी पत्नी बनी। आई होप कि ये आपको सोनेट समझ में आई होगी। सो थैंक्स।